नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका स्टेबल जंगे के नए एपिसोड में। हमें आपका दोस्त सुरेश आइडिया, एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाकी सारी एयरपोर्ट की पूरी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। चेक इन, वेब चेक इन, सेल्फ डिक्लेरेशन, बोर्डिंग होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम कोरोना काल के दौरान यात्रा कर रहे हैं। बोर्डिंग करने से पहले एयर इंडिया ने ये फेस मास्क और सैनिटाइजर का पाउच दिया है। तो जो यात्री बीच की सीट पर बैठेंगे, जिनकी मिडिल क्लास सीट होगी, उनको पीपी किट पहनना होगा एयर इंडिया में, और जिनकी की विंडो सीट होगी और साइड की सीट होगी उनको पीपी किट नहीं पहनना होगा। तो कैसा लग रहे हैं गुरु? एकदम भौकाली। देख लो, कोरोना ने क्या हल कर दिया यार, बताओ। और वो देखो, हमारा विमान जहाज है, उसे जाएंगे। बोर्डिंग टाइम भी हो गया भैया, चलिए चलते हैं। बोर्डिंग कर चुके हैं, तो हम जा रहे हैं फ्लाइट में। हम बैठ चुके हैं और हम आगे थोड़ा सा जाने वाले हैं। बोर्डिंग बोर्डिंग अभी टिकट नहीं है, रनवे पे भी नहीं चला है। जैसे जैसे चलता है अपडेट देते हैं आपको। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर एयरपोर्ट से। सारी प्रक्रियाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि कोविड टेस्ट वगैरह। काफ़ी चार पांच जगह प्रोसेस होती है, फिर लास्ट में जाके कोविड टेस्ट होता है। बहुत खतरनाक, लोग नाक में वो डालते हैं। अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं तो दल लेक में रुकें। डल लेक जाने के लिए आप बस से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना काल में बस नहीं चल रही है। तो फिलहाल हमारी गुलाम भाई साहब हैं, ये लेने आए हैं हमें। दिखाते हैं आपको श्रीनगर का नज़ारा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर के एयरपोर्ट से डल लेक। डल लेक के बहुत बड़ा श्रीनगर का एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे हाउस बोट्स हैं, मेरे इस तरफ ये होटल्स भी हैं। अगर आप होटल्स में रुकना चाहें तो होटल में रुक सकते हैं। और इस तरह हाउस बोट्स हैं, मतलब ये हाउस बोट ऐसी हैं पानी के ऊपर के घर बने हुए हैं, जिसे हाउस बोट कहते हैं। तो ये देखिए है सिगारा, इसे कहते हैं सिगारा। इसमें हम जाएंगे इस पानी में जाएंगे बोट में। तो चलिए चलते हैं। और अभी हम ये सिगारा की राइड कर रहे हैं। ये सिकारा की राइड काफ़ी अच्छी राइड होती है यहाँ पे, मतलब पानी के ऊपर बोट बनी हुई है। हमारा हाउस बोट है, मून ऑफ कश्मीर नाम से है।
यहाँ करीब मेरे को रूम पड़ा है एक दिन का 1200 रुपए में, जिसमें मेरा लंच और डिनर सब कुछ इंक्लूड है। तो यहाँ से हम चलिए अंदर जाते हैं और दिखाते हैं अपने हाउस बोट का अंदर का नज़ारा। वहाँ से बोट आपको उतारेगी, वहाँ से अंदर आएंगे। देखिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे ये गेट है, इस गेट से अंदर जाएंगे और देखिए कितने अच्छा घर की तरह इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। जैसे ही आप इस मून ऑफ कश्मीर हाउस बोट के अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पे सूज वगैरह खोल सकते हैं, ये सूज नहीं भी उतारने का है, आप उतारना चाहे उतार सकते हैं। और इधर की देखिए, इधर ये कॉमन लॉबी एरिया है। यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल वगैरह है, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है। और ये देखिए इधर की ओर मेरी ये सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है, इस सोफ़ा वगैरह पे आप बैठ सकते हैं। तो देख लिया ये लॉबी एरिया, चलिए अब आपको मैं रूम दिखा देता हूँ, रूम कैसा है। इस प्रकार ये है हमारा रूम और ये बेड वगैरह है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कपड़े वपड़े टांगने का है। इधर की ओर देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप तैयार वगैरह हो सकते हैं, शीशा लगा हुआ है। इधर की ओर आप देख सकते हैं पूरा बाथरूम एरिया है। ये गुरु ये है हाउस बोट का नज़ारा, मजा आ रहा है। आप लोग भौकाली वाले हो, क्या मजा आएगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत इसी से अभी काम चला लो। तो मेरे इधर की ओर देख सकते हैं, ये बालकनी एरिया है पूरा, इस प्रकार बैठ के आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे देख पूरा कितना अच्छा नजारा एकदम क्लियर है गुरु। ये पानी के ऊपर हाउस बोट और शिकारा की राइड, एकदम कलेजा हरियर हो जाएगा गुरु। आइए आप और ये सब देखिए, ये सब एंजॉय लीजिए। तो दोपहर हो गई थी तो हमने सोचा अपना लंच कर लिया जाए। तो लंच में मैं खा रहा हूँ रोटी और सब्जी, गोभी और मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है और दाल चावल है, घर जैसा खाना है। चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं। हमारा भोजन हो चुका है और हमने अपना भोजन अभी कर लिया है और अब 3 बजे के अप्रॉक्स हम आप जाएंगे शिकारा के राइड पे। हमारी ये शिकारा की राइड स्टार्ट हो चुकी है और जैसे आप पहले दिन डल लेक आए, आप आने के बाद मॉर्निंग अगर आपकी फ्लाइट है तो अगर टाइम है तो आप उसी दिन शिकारा की राइड कर लें। ये देखिए आगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये पूरा देख रहे हैं, ये है लोटस गार्डन इधर की ओर जो आप देख रहे हैं। पूरा लोटस मतलब ये जो कमल का फूल ही बोलते हैं उसको, ये कमल के फूल पर धीरे धीरे खिल रहा है। मतलब पानी के ऊपर ही सब कुछ है। जैसे ये शिकारा की राइड आप करेंगे तो आप यहाँ घंटे के हिसाब से आप राइड कर सकते हैं। अगर आप पैकेज नहीं लेते हैं, अगर आप जैसे जिस हाउस बोट में रुके या लोग पास रुके तो आपको पैकेज देते हैं, अगर आप पैकेज नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पे घंटे के हिसाब से राइड कर सकते हैं। इसमें 1 घंटे का आपको 500 रुपये राइड का चार्जेस है। ये पूरा इधर देख रहे हैं इधर की ओर, पूरा इसको गोल्डन लेक बोला जाता है। रात को यहाँ पे हर हाउस बोट की बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह यहाँ पे होती है। और आगे इधर की ओर वेज फास्ट फूड है, यहाँ पे आप मतलब पानी के ऊपर ही रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ आप मैगी वगैरह जो भी आपको स्नैक्स वगैरह लेना है आप ले सकते हैं। ऊपर वाले ने क्या खूबसूरत दुनिया बनाई है यार, क्या यहाँ पे प्राकृतिक नज़ारे हैं आप देख सकते हैं।
कश्मीर की इन वादियों में करीब 32 किलोमीटर की एरिया में फैली हुई है ये लेक, श्रीनगर की दल लेक। आओ यार गुरु यार, क्या जिंदगी में यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप लहसुन है, अरे आओ एक बार देखो पूरा ये नज़ारे देखो कितना, कसम से सब कुछ भूल जाओगे और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आओगे तो प्यार तो डबल हो जाएगा गुरु, ये नज़ारे वादियों को देख के। और हल्की हल्की ठंड के मौसम में एकदम गबा गब हो जाएगा आप लोगों का, आप फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा इन वादियों में जब आप घूमेंगे या अपने परिवार को घुमाएंगे ना, तो एकदम माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा, रज्जा हरियर हो जाएगा दोस्तों। बत्तीस किलोमीटर की रेंज में फैली है ये लेक, श्रीनगर की डल लेक। चलिए आए का नज़ारा दिखाता हूँ, नहीं तो बोलेंगे खूब बकचोदियाँ पिलते रहता है। तो मित्रों आप मेरी इस तरफ जो देख रहे हैं वो मेन रोड है, वहाँ उधर की ओर जैसे पूरे होटल हैं, आप चाहे तो इस हाउस बोट में भी रुक सकते हैं और आप चाहे तो आप होटल में भी रुक सकते हैं, लेकिन आप होटल के शौकीन हैं तो लेकिन एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि एक या दो नाइट के लिए हाउस बोट में ज़रूर रुकें और यहाँ का हाउस बोट में रुकने का जो मज़ा है उस मज़े को ज़रूर उठाएं। मतलब आप डल लेक में आपको कुछ पोस्ट वगैरह करना हो तो यहाँ पे डल लेक में हाउस बोट को ही पोस्ट ऑफिस बना दिया है। आगे बहुत ही खूबसूरत रोमांचक व्यू आने वाला है। सो दोस्तों जैसे ही आप शिकारा राइड के थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये नेहरू पार्क आएगा, यहाँ पे आपको समुद्र में मतलब पानी में जो एक्टिविटी होती है वो होती है, यहाँ पे आप एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं, जो भी उसको क्या बोलते हैं इसको, नेहरू पार्क इतना ही है जो एक्टिविटी है, क्या इसको बोलते हैं, वाटर स्केटिंग, वाटर स्केटिंग यहाँ पे वाटर स्केटिंग होती है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, देखते हैं अभी अगर बात बन गई तो हम भी करेंगे, थोड़ा मज़े पानी ले लेंगे, लेने में क्या जाता है मज़े पानी, क्यों गुरु। सो दोस्तों जैसे ही आप डल लेक में शिकारा राइड 15-20 मिनट करके आगे आएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका पार्क, ये पानी के ऊपर ही पार्क है, मतलब थोड़ा सा ही चट्टान है वहाँ पे पार्क बना हुआ है, इस पार्क को नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आप आके लेक में एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं और फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार आप फोटो खिंचा सकते हैं और एक्टिविटी कर सकते हैं। इधर की ओर आप चाहें तो कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इसका चार्जेस क्या है कश्मीरी ड्रेस में फोटो खिंचवाने का, वो 150 वाला है, 200 वाला है, 100 वाला है, अलग अलग नहीं, अगर जैसे कि 150 वाले में कौन सा है, 150 वाले में 8x10 साइज, अच्छा ये 10 साइज, अच्छा मान के चलिए कोई आजकल डिजिटल हो गया, आजकल कोई अपने मोबाइल में फोटो खिंचवाना चाहता है, ड्रेस का चार्जेस 100 रुपये लेते हैं, ड्रेस का चार्जेस आप 100 रुपये लेते हैं, बाकी मोबाइल वगैरह में क्लिक करने का क्या लेते हैं, उसमें 20 रुपये शॉट के लिए 20 रुपये शॉट लेते हैं, 20 अगर आप अपने यहाँ पे इनका ड्रेस लेंगे तो 100 रुपये ड्रेस का चार्जेस लेंगे, और अगर आप मोबाइल में अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करवाते हैं कैमरे से करवाते हैं तो 20 रुपये पर क्लिक लेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, हमारा काम है बताना, आपको बता दिया आपने, बाकी आप आके बार्गेनिंग वगैरह कर लें इनसे। सो मित्रों इस पार्क में आप जैसे आएंगे यहाँ पे आपको तरह तरह के फूल मिल जाएंगे, जिसमें ये गुलाब के फूल मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, जायका रेस्टोरेंट भी है नेहरू पार्क, ये यूनिट ऑफ जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे आप अपना भोजन वगैरह नाश्ता पानी वगैरह कर सकते हैं। आ
आगे की ओर हम आपको दिखा दें, उसके बाद हम भी थोड़ा कुछ फोटो खिंचाएंगे गुरु। ये देखो ये पूरा यहाँ पे फोटो वगैरह आप जो खिंचाएंगे तो यहाँ से आप ये लोग बैठे रहते हैं, जो आप फोटो खिंचाएंगे वो हार्ड कॉपी प्रिंट यहाँ से निकाल के आपको दे देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है गुरु। और ये यहाँ पे ये ब्रिज है देखो, तो दोस्तों यहाँ से आप वाटर स्केटिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इधर की ओर देखिए यही सब वाहन है जो कि वाटर स्केटिंग कराते हैं। यहाँ पे अगर आप राइड करते हैं, मतलब इसको गाड़ी को थोड़ा सा आप चलाते हैं, आपसे चलवाते हैं, तो छोटा राउंड लगाएंगे तो आपको 500 रुपये में चलवाएंगे और बड़ा राउंड लगवाएंगे तो आपको 1200 रुपये लेते हैं। इसी प्रकार आप वाटर स्काइडिंग है उधर की ओर, जो मैं फोटो में आपको दिखाऊंगा, जो ये जो है वाटर स्काइडिंग है इसे बोलते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये है वाटर स्काइडिंग, ठीक है। इससे आप वाटर स्काइडिंग अगर आप करते हैं तो इसका भी चार्ज है आपको छोटे का 500 रुपये, और बड़ा आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का लेते हैं तो आपको 1200 रुपये के क्रॉस में पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, हम जा रहे हैं वाटर स्काइडिंग के लिए। तो अभी देखिए जाते हैं और पूरा क्या व्यवस्था बताएंगे अभी इसमें हम पूरा। देखिए अभी पेट्रोल वगैरह डलेगा अभी इसमें, फिर अभी इसमें हम वाटर स्काइडिंग करेंगे, पूरी चीज़ दिखाएंगे भौकाली के साथ, बने रहिए। हाँ रिस्की है थोड़ा, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट के लिए करना पड़ेगा। इस तरफ का जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा, इसको ओपन डल लेक बोला जाता है। यहाँ पे मिशन कश्मीर, ऐलाने जंग, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये टी शॉप है, जब भी आप डल लेक का सैर करेंगे चिकारा वाला आपको पूरा ये शॉप की ओर लेके जाएगा, और यहाँ से आप कुछ न कुछ मैगी वगैरह, चाय, नाश्ता जो भी आपको करना हो कर लो। इधर की ओर जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, न्यू डोंगोला टाइप के, यहाँ पे मिशन कश्मीर की शूटिंग हुई थी। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया फ्लोटिंग मार्केट, मतलब पानी के ऊपर जो हाउस बोट पे जो दुकानें लगी हैं उनको बोलते हैं फ्लोटिंग मार्केट। तो ये देखिए यहाँ से चालू हो गई हैं दुकानें। इधर की ओर मैं देख सकते हैं, इधर की ओर पूरा कपड़े वगैरह की दुकान है, कश्मीरी ड्रेस वगैरह की। और आगे देखिए भी कपड़े की दुकान है, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें भी हैं यहाँ पे, आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप कपड़े, लत्ते, जूते, चप्पल, खाने पीने की चीज़ें जो आप लेना चाहें सब आपको पानी के ऊपर ही मिलेगा। तो देख लीजिए पूरा गर्दा है गुरु।
जैसे ही आप इस फ्लोटिंग मार्केट से आगे आएंगे तो इधर की ओर यहाँ से दूसरा मार्केट आ जाएगा, इसको बोलते हैं मीना बाजार। सर यहाँ पे आप शॉल वगैरह कश्मीरी लोकल ड्रेस भी ले सकते हैं। भैया एक कश्मीर और जो श्रीनगर है ना, ये डल लेक वगैरह जो एरिया ने ऐसी जगह है ना, अगर आप एक बार गुरु यहाँ आ गए ना तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप हर साल दो साल में ऑटोमेटिक आपको आने का मन करेगा और बिना आए आप रह नहीं पाएंगे। ऐसी खूबसूरती है यहाँ की जो कि आपको नज़रों में दिल दिमाग में कैद हो जाएगी कि जैसे ही आप जरा से वहाँ पे दिल्ली बॉम्बे या कहीं भी रह रहे हैं आप वहाँ से स्ट्रेस अपने माइंड में फील करेंगे, सोचेंगे चलो यार कम से कम श्रीनगर ही होके आते हैं क्योंकि फ़्लाइट भी ज़्यादा महंगी नहीं है। दिल्ली से अगर आप आएंगे पहले बुक करेंगे तो आपको 2.5 से 3 हज़ार में फ़्लाइट मिल जाएगी और इधर से जाने के लिए थोड़ा सा आपको 1500 महंगा पड़ेगा, वो भी 3500-3000 में आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। तो यार आ जाओ यार, 10-20 हज़ार रुपये यहाँ खर्च कर भी दोगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ के जन्नत का जो मज़ा आपके दिमाग में जो यहाँ की खूबसूरती एक बार बस जाएगी ना तो आप हर साल यहाँ पर आओगे। तो देख सकते हैं मित्रों हम भी अभी बोट पे ही आगे बैठे हुए हैं अपना ये सेल्फी स्टिक पकड़े हुए और वीडियो बना रहे हैं गुरु आपके लिए। मेरी मेहनत भी देखिएगा आप लोग और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। हम मानते हैं कि आप भौकाली वीडियो देखने के शौकीन हैं लेकिन अभी क्या करें, कोरोना काल के दौरान सब लग गए हैं तो अब धीरे धीरे जैसी कंट्रियाँ खुलेंगी बिल्कुल भौकाली भी आपको दिखाएँगे। तब तक यार थोड़ा अपने भारत को भी प्रमोट कर लिया जाए यार, क्यों इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरती है घूमने के लिए यहाँ पे, आप घूम सकते हैं इतना पूरा भौकाली है आप कर सकते हैं। तो यार मैं तो यही कहूँगा यार कि आप कहीं ना कहीं भारत में ही अपने घूमिए और आप हिल स्टेशन पहाड़ बर्फ़ और नेचर व्यू आप पसंद करते हैं तो एक बार कश्मीर ज़रूर आइए। लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है, लोग टूरिस्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे और धीरे धीरे लोगों की ज़िंदगी पटरी पे आ रही है इस कोरोना काल के दौरान। तो बस साथ दीजिए थोड़ा, आप ही माना कि बाहर नहीं जा सकते। जो हमारे ट्रेवल ब्लॉगर भाई लोग भी हैं, जो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर भाई लोग भी हैं, उन लोगों से आग्रह करूँगा हम अपने इंडिया का भी एक एक राज्य भी कवर करें तो यार हमारा इंडिया भी प्रमोट होगा और हमारे इंडिया में भी टूरिज्म आएंगे, हम भी बाहर जाएँगे उधर से टूरिज्म आएँगे तो यार दबाव बना रहेगा और मज़ा आ जाएगा। तो अपने भारत को भी प्रमोट करना हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है। जैसा कि अब हमारी ये श्रीनगर की डल लेक की 1 घंटे की शिकारा राइड वो ख़त्म होने वाली है क्योंकि आगे ही हमारी हाउस बोट आ गई है मून ऑफ कश्मीर। आप वो देख सकते हैं उधर की ओर मेरी मून ऑफ कश्मीर हाउस बोट है। तो दोस्तों ये था श्रीनगर के डल लेक के शिकारा राइड का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जगह के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू। श्रीनगर का लाल चौक।